भारत में गांवों की स्थिति से आप अनजान नहीं होंगे। देश के अधिकतर गांव में आप गरीबी, अशिक्षा, गंदगी, बिजली, पानी जैसी समस्याएं देखते और सुनते आए होंगे। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। सड़कें खस्ता हाल है, किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं नहीं है। देश के गांवों का ऐसा चेहरा आपने जरूर देखा होगा, मगर आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बता रहे हैं जो देश के 7 लाख गांवों के लिए एक आदर्श गांव है। शायद यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यह गांव सुविधाओं के स्तर पर शहरों को भी मात दे सकता है। आइए आपको इस गांव के बारे में कई रोचक बातें तो बताते ही हैं, और साथ ही यह भी बताते हैं कि आखिर क्यों देश का यह गांव सभी गांवों के लिए एक आदर्श गांव है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल राजस्थान आर्ट सेंटर पर। तो चलिए दोस्तों, आपको इस गांव के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। तो दोस्तों, इस गांव का नाम है पुंसरी। जी हां साथियों, इस गांव का नाम है पुंसरी और यह गुजरात के साबरकांठा जिले में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2006 में 6000 की आबादी वाले इस गांव में ग्रामीणों के लिए सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था, मगर आज पुंसरी गांव में ग्रामीणों के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। पुंसरी गांव की सुविधाओं के बारे में मैं आपको एक एक करके बारीकी से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले वाईफाई। पूरा पुंसरी गांव वाईफाई से लैस है, यानी इस गांव के ग्रामीण इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। पुंसरी ग्राम पंचायत भी पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है और गांव के युवा समय के साथ कदम मिला सकें इसके लिए नाम मात्र का धन खर्च कर पंजीकरण करवाकर युवा इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। सेकंड है कम्युनिटी रेडियो। तो गांव में जगह जगह स्पीकर लगे हैं, ऐसे में अगर सरपंच को गांव के लिए कोई आवश्यक सूचना देनी होती है या फिर कोई घोषणा करनी होती है तो ये स्पीकर के माध्यम से बताते हैं। इस प्रकार गांव में कुछ 120 स्पीकर लगे हैं। उसके बाद है बस सेवा। इस गांव में अटल एक्सप्रेस नाम की बस सेवा भी मौजूद है। इस गांव में पक्की सड़कें भी हैं। उसके बाद है सीसीटीवी। इस गांव में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इस गांव में 5 स्कूल भी बने हुए हैं जहां सभी कक्षाओं में एसी लगी हुई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। माता पिता घर से बैठे बैठे देख सकते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं। उसके बाद है इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी। तो पंचायत ने इको फ्रेंडली बिजली पैदा करने के लिए बायो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने की तैयारी में है। ऐसे में गांव के 1200 घरों में लगभग 250 घरों में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर भी दे दी है। उसके बाद है मिनरल वाटर। तो इस गांव में ग्रामीणों को मिनरल वाटर की सुविधा मिलती है, यानी पूरे गांव में पीने के पानी के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए आरओ प्लांट लगा गया है। इस प्लांट से पानी को शुद्ध कर घर घर सप्लाई किया जाता है। इस गांव के हर एक परिवार को सिर्फ 4 रुपए में 20 लीटर मिनरल वाटर की सुविधा मिलती है। स्वच्छता व्यवस्था। गांव में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसके लिए ग्राम पंचायत ने कई सराहनीय प्रयास किए हैं। पंचायत के कर्मी घर घर जाकर कचरा एकत्र करते हैं और फिर जमा हुए कचरे को गांव की सीमा के निकट उचित व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय। गांव में ग्राम पंचायत ने एक ऐसी गाड़ी की व्यवस्था की है जिसमें सिर्फ किताबें होती हैं, यानी कि चलता फिरता पुस्तकालय। सैकड़ों पुस्तकों के लिए यह वाहन गांव में निश्चित समय में जगह जगह पहुंचता है। ऐसे में पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी किताबें पढ़ सकते हैं। एलईडी मार्ग प्रकाश व्यवस्था। इस गांव में पंचायत ने एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाने की भी तैयारी कर ली है। पूरे गांव में 450 एलईडी लाइट लगाई जानी है। ऐसे में बिजली का बिल भी गांव में आधा हो जाएगा। गांव को इतनी सुविधाएं देने का काम किया है इस गांव के पूर्व युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने। एक तरफ जहां केंद्र सरकार, वहीं राज्य सरकार भी योजनाओं के जरिए गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत के 3 से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, मगर कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो इन योजनाओं के धन का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। मगर युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया। यही कारण है कि इस गांव में ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाली एजेंसियों का आना जाना बढ़ गया है। इन्हीं सुविधाओं की वजह से यह गांव देश के 7 लाख गांवों के लिए आदर्श गांव बन गया है। यही कारण है कि इस गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित गांव का दर्जा प्राप्त है।